उधर के शॉट लिया करके बचाया। रखी लैब है भैया। हाँ लैब है, वो भी काउंट कर देना। क्या क्या लैब जहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं उसका की लेना है। हेलो 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 कंट्रोल रूम का ले लो बीमारी देखिए। हमारे पास एक पेशेंट एडमिट हुआ था जो कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था। 21 तारीख को पानीपत से वो पेशेंट आई थी और उसका इलाज शुरू कर दिया गया और वो 6 दिन के बाद ही अब उसकी आज जब दोबारा टेस्ट किया गया तो इलाज के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई है। उसका टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हमारे पूरे स्टाफ के, डॉक्टरों के, नर्सों के, पैरामेडिकल स्टाफ के, सबके हौसले बहुत बुलंद हैं कि ये पेशेंट जैसे ये ठीक हुई है वैसे कोई भी और पेशेंट आएगा बिल्कुल ठीक होकर जाएगा। अभी हाल में और कोई पॉजिटिव है आपके? नहीं, और कोई पॉजिटिव नहीं आया। हालांकि हम टेस्ट तो कर रहे हैं, हम डेली अपने यहाँ करीब 60-70 पेशेंट्स का टेस्ट करते हैं, लेकिन अभी हमारे रोहतक के अंदर कोई और पॉजिटिव पेशेंट एडमिट नहीं हुआ। राहत की बात है, बहुत राहत की बात है और इससे हमारे स्टाफ का भी बहुत साहस जो है और बढ़ा है और जो पेशेंट्स हैं उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है। इसके कांटेक्ट में जो आए थे वो भी नेगेटिव? इसके जो कांटेक्ट में थे वो भी नेगेटिव है। हाँ जी सर, रोहतक जिले की अगर बात करें पीजीआई है, वहाँ पे कितने जिलों के सैंपल यहाँ पर आ रहे हैं? देखिए अभी पूरे हरियाणा के अंदर 2 जगह ये टेस्ट किए जा रहे हैं, एक बीपीएस खानपुर में और दूसरा हमारे यहाँ। और अभी तक टोटल हरियाणा के अंदर जो 23 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं उसमें 17 टेस्ट जो है वो हमारे रोहतक में किए गए, 4 टेस्ट खानपुर में किए गए, 1 टेस्ट पंचकुला का पेशेंट था उसका टेस्ट पीजीआई चंडीगढ़ में किया गया और 1 पेशेंट है जिसका टेस्ट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में किया गया है।